वेलकम टू आर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जो कि रिलीज़ किया गया है लास्ट सिक्स मंथ में, जुलाई 2020 से लेकर अभी तक दिसंबर में जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रिलीज़ किए गए हैं तो उनको हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम सेक्शन वाइज अपलोड कर रहे हैं करंट अफेयर का वीडियो, तो यहाँ पर हमने स्कीम कवर अप कर दिया है। अब रैंकिंग देख लेंगे, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया, अवार्ड जितने दिए गए हैं लास्ट सिक्स मंथ में, इसके साथ साथ बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हैं, तो इसी तरह हम कवर अप करेंगे सेक्शन वाइज ताकि करंट अफेयर को डिटेल में देखें और खास करके एनटीपीसी का जो एग्जाम है, ग्रुप डी का जो रेलवे का एग्जाम है, यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं खास करके करंट अफेयर के सेक्शन में। इसीलिए जो है सेक्शन वाइज हम कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सिक्स मंथ का यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं इनको यहाँ पे देख लेते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इससे भी प्रीवियस सिक्स मंथ का देखना है, जनवरी 2020 से जून 2020 का देखना है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक साल का पूरा रैंकिंग प्रिपेयर करके जाना, मिस नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग हो सकते हैं उनको हमने कवर अप किया है। इस सिक्स मंथ का अगर देखना है प्रीवियस सिक्स मंथ का तो इस वीडियो में देख लेना, और यहाँ पे जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 अभी तक जितने भी हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तब तक का रैंकिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने लॉन्च किया है जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज। 40 टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी रेलवे के एग्जाम्स लिए गए हैं सबको एनालिसिस किया है, और जो आपका टॉपिक है जितने भी सिलेबस में करंट अफेयर, उसके साथ साथ जो भी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, वहाँ से बेस्ट 2000 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया। तो हर सेट में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, टोटल 2000 क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज का कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है, हर एक स्टूडेंट ले सकता है। इसीलिए जो है हमने इसका कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कैसे लेना है लिंक में जाना है, वहाँ पे अपना डिटेल भरना है, जैसे नाम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर भर देना है। जैसे पेमेंट कर देते हैं 99 रुपीज़, उसके बाद जो है अपना मेल आईडी चेक कर लेना है। सिंपल पीडीएफ फाइल है, आपके पास कोई भी डिवाइस हो, आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है, खोलना और टेस्ट देना, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट देना, ताकि 2000 क्वेश्चन जब आप करके जाएं तो कॉन्फिडेंस हो आपके पास और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं एग्जाम में। सिमिलरली इसी तरह ग्रुप डी का भी लॉन्च किया है, 30 टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये भी जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है। 60 जो है यहाँ पे कॉस्ट रखा गया है, उसी सेम प्रोसेस से लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। अपना नाम, मेल आईडी और फोन नंबर देने के बाद जैसे ये पेमेंट करते हैं वैसे ही जो है आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके बाद अपना मेल आईडी चेक कर लेना, जहाँ से जाकर इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करना, उसके बाद पीडीएफ फाइल से आप खोलकर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो चलिए फाइनली रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो है रिलीज किए गए हैं लास्ट सिक्स मंथ में उनको देख लेते हैं। रैंकिंग, इंडिया रैंक्स 117 इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो इंडिया का जो रैंक रहा 117 रहा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। खास करके यहाँ पे इंडिया का ही रैंक लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का भी रैंक दीजिए, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ये ध्यान रखना इंडिया का ही रैंक पूछा जाएगा। जो है लगभग जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे भी इंडिया का ही पूछा जाता है, इसीलिए ऐसा लिया गया है। इंडिया रैंक 31st इन इनफॉर्म रिक्स इंडेक्स। तो इनफॉर्म रिक्स इंडेक्स जो है यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 31st। इंडिया रैंक 8th इन कैंसर प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये EIU के द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। इंडिया का रैंक क्या है, 8th है इन कैंसर प्रिपेयरनेस इंडेक्स। और कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है इसको भी हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। हमारे स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ 52 स्टैटिक जीके का वीडियोस बनाया गया, उनको भी जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे हमने कवर अप किया है कि कौन सा रिपोर्ट किसके, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। जैसे कैंसर प्रिपेयरनेस इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये सारे दिए गए हैं, वहाँ पे जरूर देख लेना। स्टैटिक जी का जो प्लेलिस्ट है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। इंडिया रैंक 3rd इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 एज पर कुसमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट। तो कुसमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में ये है 3rd। एप्पल रैंक 1st एंड रिलायंस रैंक 2nd इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में जो रैंक 1st है किसका है, एप्पल का है, और रिलायंस का रैंक जो है ये है 2nd। वॉलमार्ट रैंक 1st इन फॉर्च्यून टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये रिपोर्ट फॉर्च्यून के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। तो वॉलमार्ट का जो रैंक है ये है 1st। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है तो 1st रैंक जो है ये वॉलमार्ट को मिला है। ड्वाइन जॉनसन इज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 कौन है, तो ड्वाइन जॉनसन है, दी रॉक जो उनको कहते हैं। तो ड्वाइन जॉनसन जो है इनको ही मिला है हाईएस्ट पेड एक्टर, जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई किया है 2020 में। और इंडिया का बात करें तो 6th रैंक मिला है अक्षय कुमार को। इंडिया रैंक 57 इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 बाय सर्फ सैंक। तो सर्फ सैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक जो है ये है 57। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स EPI 2020, यहाँ पे जो है ये इंडिया के में जो है ये
रिपोर्ट रिलीज किया गया है, और खास करके इंडियन अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पे ये रिपोर्ट्स बनाए गए हैं। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स ईपीआई 2020 में अगर फर्स्ट में हम बात करें तो गुजरात है, सेकंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में तमिलनाडु है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है? नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया गया है। इंडिया रैंक फोर्थ इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 एज पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो विपो के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इंडिया का रैंक है 48 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये बिल्कुल याद रखना, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है इंडिया का रैंक क्या है। पिछले बार जो शायद क्वेश्चन कहीं पे ये बना था, बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया रैंक 105 इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट बाय कनाडास फ्रेसर इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का जो रैंक है यह है 105th। इंडिया रैंक 116th इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, याद रखना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है जो रिलीज किया गया ये 106th है इन 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और से हमने वीडियो बना दिया है, जरूर देख लेना स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। इंडिया रैंक 89th इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स WRI 2020। तो 89 जो है रैंक है इंडिया का वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में। मिजोरम रैंक फर्स्ट, पंजाब सेकंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड थर्ड इन इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। तो पहली बार ये किया गया है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जरूर देख लेना। मिजोरम का रैंक जो है ये फर्स्ट है, पंजाब का सेकंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड का यहाँ पे रैंक थर्ड है। मुकेश अंबानी टॉप्स इन फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट। तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जो है इनका रैंक फर्स्ट है, सेकंड में जो है ये अडानी है, और थर्ड में अगर हम बात करें तो SCL के जो चेयरमैन रह चुके हैं शिव नदर, वो थर्ड में हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन खास करके बन सकता है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट फोर्थ पोजीशन इन एशिया पावर इंडेक्स 2020 रिलीज बाय सिडनी बेस्ड लॉनी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको यह ध्यान रखना है, इंडिया का जो रैंक है यह है फोर्थ इन एशिया पावर इंडेक्स। फर्स्ट रैंक जो है यह है यूनाइटेड स्टेट्स का, सेकंड है चाइना का, थर्ड है जापान का। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो यूनाइटेड स्टेट्स तो एशिया में आता नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक वन कैसा है? तो ये ऐसा नहीं है जिसका पावर जो है इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। तो जैसे एशिया पैसिफिक रीजन में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, तो उसका रैंक वन है। सेकंड में चाइना का इन्फ्लुएंस है, थर्ड में जापान का है, और फोर्थ में इंडिया का है। तो फोर्थ पोजीशन दिया गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में, इंडिया का जो रैंक दिया गया है ये दिया गया है फोर्थ। इंडिया रैंक सेकंड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। तो यहाँ पे कितने इंडियन सिटीजन जो है माइग्रेट किए हैं टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल जो है यहाँ पे हम बात करें OECD कंट्रीज में, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है यह है सेकंड। सबसे ज़्यादा जो है चाइना से माइग्रेट किए हैं, और वहाँ पे जो है इस कंट्रीज में जाके वो सिटीजनशिप लिए हैं। इंडिया से जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स गए हैं इमिग्रेट करके अलग कंट्री में, और वहाँ पे जाकर वो सिटीजनशिप लिए हैं। तो इंडिया का जो रैंक है यह है सेकंड, ये बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका शॉर्ट फॉर्म है NTPC हैज फीचर्ड ऑन द टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ इंडियन PSU अंडर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। तो NTPC का यहाँ पर रैंक वन है एज इंडिया का, अगर हम देखें यहाँ पे ये भी जो है रिपोर्ट फोर्ब्स के द्वारा ही रिलीज किया गया है। इंडियन PSU में अगर हम बात करें तो NTPC को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है एज बेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सैमसंग टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। तो सैमसंग जो है ये नंबर वन रैंक है इनका टॉप्स इन फोर्ब्स लिस्ट वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर। अगर पूछा जाए तो कौन सा कंपनी है? सैमसंग है। हरियाणा इज द बेस्ट स्टेट इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा का रैंक जो है यहाँ पे फर्स्ट है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडियाज परम सिद्धि रैंक 63rd इन मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। अगर हम बात करें इंडिया का जो परम सिद्धि है ये सुपर कंप्यूटर है, उसका रैंक जो दिया गया है ये दिया गया है 63rd मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का रैंक यहाँ पे दिया गया है। इंडिया रैंक 77th इन ट्रेस बाइब्री रिक्स मैट्रिक्स इंडेक्स। तो ये ट्रेस बाइब्री रिक्स मैट्रिक्स इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ये है 77th, ये भी ध्यान रखना। US एयर क्वालिटी इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया है दिसंबर के मंथ में। लाहौर इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। लाहौर जो है ये कल्चरल कैपिटल है पाकिस्तान का, इसका रैंक वन है। लाहौर को लोहारों का सिटी भी कहा जाता है। तो US एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका रैंक वन है, सेकंड में है दिल्ली, थर्ड में है काठमांडू। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। तो ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। US एयर क्वालिटी में सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूटेड सिटी देखा जाए तो लाहौर है। इंडिया रैंक 8th इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ये है 8th, और सबसे इफेक्टेड यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ये देखा जाता है कि टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन सा कंट्रीज़ है। तो इंडिया का जो रैंक है ये है 8th।
फर्स्ट में है अफगानिस्तान, सेकंड में है इराक, थर्ड में है नाइजीरिया, फोर्थ में है सीरिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रैंक्स रिलीज किए गए हैं दिसंबर तक, अभी तक जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उनको यहाँ पे कवर अप किए, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट रैंक्स हो सकते हैं उनको यहाँ पे हमने कवर अप किया। इसके साथ साथ अगर प्रीवियस 6 मंथ का भी अगर देखना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, यहाँ पर भी जरूर जाकर देख लेना। साथ में टेस्ट जरूर लेना, भूलना मत टेस्ट लेना। 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, जरूर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। 2000 बेस्ट क्वेश्चन को हमने लिया है ताकि आप अच्छा से जो है प्रैक्टिस करके जाएं, जो भी चीज़ मिस आउट हो जाए उसको फिर से दोबारा रिवाइज करके जरूर जा पाएं। इसीलिए जो है ये टेस्ट लॉन्च किया गया है, दोनों के लिए लॉन्च किया गया है, ग्रुप डी के लिए लॉन्च किया गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर अपना डिटेल, फोन नंबर, ईमेल आईडी भर लेना। एक बार देने के बाद फिर अपना मेल आईडी खोलना, वहाँ से डाउनलोड फाइल को कर लेना और फिर टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।